सुबह की शुरुआत होते ही सबसे पहले कुछ याद आता है तो वो है टूथब्रश, जिसके बिना हम अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। ये एक ऐसा दंत प्रोडक्ट है जिसकी मांग कभी कम नहीं होने वाली। साल का कोई भी महीना हो, टूथब्रश की मांग हमेशा एक सी रहने वाली है। इसी कारण लोग इस बिजनेस से लगातार तेजी से जुड़ रहे हैं। गांव, कस्बा और शहर हो, हर जगह इस बिजनेस की खूब डिमांड है। मार्केट में भी ये अपना खासा दबदबा बनाए हुए है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इसकी आवश्यकता कभी भी कम नहीं होने वाली। भले ही मार्केट में अलग अलग क्वालिटी में ब्रश आ जाएं, लेकिन ब्रश मौजूद रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं, अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। ब्रश बनाने के लिए कच्चा माल। इस काम को करने के लिए आपको बहुत अधिक जगह की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आप चाहें तो घर में भी शुरू कर सकते हैं। टूथब्रश बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल, प्लास्टिक, नायलन के वायर, कार्डबोर्ड। संसाधनों की बात करें तो इस काम के लिए आपको कुछ मशीनें और बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए। टूथब्रश बनाने की मशीन। इस बिजनेस को करने के लिए आपको लगभग 8 से 10 लाख के बीच निवेश कर मशीनें लेनी पड़ेंगी। इन मशीनों को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मशीनों की अधिक जानकारी या खरीदारी के लिए इस लिंक पर जाएं। यहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आसानी से ले सकते हैं लोन। इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास पूंजी की कमी है तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इस काम के लिए कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार भी छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम ब्याज पर लोन दे रही है। तो आप सरकारी मदद लेकर या फिर फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोन प्राप्त कर इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग की समझ हो। इस काम को अच्छे से चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस से जुड़ी मार्केट के बारे में अच्छी समझ रखनी होगी। प्रॉपर रिसर्च करना होगा, जिससे आप टारगेट कस्टमर तक सीधे पहुंच सके। कस्टमर को अपने साथ जोड़कर ही संसाधनों का उत्तम उपयोग कर सकते हैं। अपने ब्रांड का नाम रखें, उसका प्रचार प्रसार करें और घर घर में प्रचलित करने के लिए शुरू में कीमतों को कम रखें। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आप चाहें तो किशोर लोन और तरुण लोन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार 50,000 रुपए तक के लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज दर में 2% की छूट पाने को मंजूरी देती है। इतना ही नहीं, सरकार 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन कारोबार शुरू करने के लिए देती है। योजना की अधिक जानकारी इस लिंक पर जाएं। इस लिंक को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।